हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं। किसमें? प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर, जो आपका NVS PGT का है या फिर KVS PGT का है या फिर DSSSB PGT मैथमेटिक्स का है, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उन सब के बारे में आज बात करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से हमें उन्हें सोल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोस इनवर्स पी बाई ए प्लस कोस इनवर्स क्यू बाई बी। क्या दिया हुआ है? कोस इनवर्स पी बाई ए प्लस कोस इनवर्स क्यू बाई ये दिया हुआ है। किसके इक्वल? इज इक्वल्स टू अल्फा के इक्वल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस के टाइम्स कोस अल्फा प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फा, साइन स्क्वेयर अल्फा। Then what is k? यानी कि आपको k की वैल्यू बतानी है। आपको क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स p बाई ए प्लस cos इनवर्स q बाई बी। किसके इक्वल दिया हुआ है? अल्फा के इक्वल। ठीक है, और दिया हुआ है कि p स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस k टाइम cos अल्फा प्लस q स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फा, देन वट इज k? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट है PQ डिवाइड बाई ए बी के इक्वल हो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 2PQ डिवाइड बाई ए बी के इक्वल हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास माइनस ऑफ 2PQ डिवाइड बाई ए बी, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, और क्या है, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, एक ये है, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये जो k आया हुआ है इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इसकी वैल्यू इनमें से क्या होने वाली है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको दिया हुआ है cos इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, तो एक तरह से हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है, अल्फा। तो हमें क्या लगाना है? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। कल ही क्या था कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इसके इक्वल होता है आपका कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, इसके इक्वल होगा जहाँ पर आपके एक्स वाई कहाँ से होंगे, माइनस वन से वन के बीच में होंगे। ठीक है, किस तरह से किया था ये, इसको थीटा मान लिया था, इसको फाई मान लिया था, और कोस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला जब खोला क्या आएगा, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और थीटा और फाई की जब वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल, कोस फाई वाई के इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और साइन फाई आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर, जहां पर आपका थीटा किसके इक्वल हो, कोस इनवर्स एक्स के इक्वल, और फाई किसके इक्वल हो, कोस इनवर्स वाई के इक्वल। ठीक है, अगर हमारे पास कोस थीटा प्लस फाई इसके इक्वल है, ठीक है, तो दोनों साइड अगर कोस इनवर्स लूँ तो आपके पास क्या बच जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई किसके इक्वल बचेगा, कोस इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, हमारे पास इसी टाइप से है ना, कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या है, पी बाई ए है, और कोस इनवर्स वाई की जगह क्या है, क्यू बाई बी है। ठीक है, इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू अल्फा दिया हुआ है। इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, यानी कि इसकी जगह पे इस टाइप से कुछ आएगा एक्सप्रेशन और उसको इक्वल टू अल्फा पुट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई होता है, एक्स क्या है, पी बाई ए इंटू वाई क्या है, क्यू बाई बी। ठीक है, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह क्या है हमारे पास, पी, यानी कि पी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ठीक है, और अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर, यही होगा ना, एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, कोस इनवर्स दिस किसके इक्वल है आपके पास,
अल्फा के इक्वल दिया हुआ है ना, अल्फा अगर दोनों साइड अगर कोस लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये टर्म किसके इक्वल बच जाएगी, कोस अल्फा के इक्वल, ठीक है, ये टर्म आपकी किसके इक्वल आ गई, कोस ऑफ अल्फा के इक्वल आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, अगर कोस अल्फा की वैल्यू ये है तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे अगर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अगर कोस थीटा आपको दिया हो तो साइन 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 थीटा की वैल्यू क्या होगी, फिर साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होती है ना, ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर की, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि कोस अल्फा की वैल्यू पता है और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, इस टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा करना है और कोस अल्फा की वैल्यू ये है, ठीक है, तो वन माइनस इसका स्क्वायर, अंदर माइनस अभी बाहर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों का, क्या बचेगा, वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू वन माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये आपका क्यू है, ए नहीं है, ठीक है, तो ये होगा। थर्ड टर्म क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी आएगी ना, अगर बीच में माइनस का साइन है, यानी कि माइनस ऑफ टू टाइम्स ए आपका ये है, यानी कि पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, और इंटू आपके पास क्या आएगा, ये वाली टर्म, ये क्या लिख दिया मैंने, अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ गया, वन माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म और लास्ट में आपकी ये वाली टर्म, ठीक है। अब माइनस को अंदर लेकर जा सकता हूँ, ठीक है, माइनस को जब अंदर लेकर जाऊँगा तो क्या आएगा आपके पास, वन माइनस ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये होने वाला है ना। फिर नेक्स्ट क्या होगा, इसको अगर ओपन करूँ, इसकी इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, वन, और बाहर से माइनस आएगा तो माइनस वन, ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और बाहर से माइनस आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, इसकी और इसकी करूंगा तो माइनस का पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, बाहर से माइनस आकर क्या कर देगा इसे प्लस का, यानी कि प्लस का पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। और क्या आएगा, माइनस का पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है और माइनस का ही क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और बाहर से माइनस से अंदर जाएगा तो इसे माइनस का कर देगा, यानी कि माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई ना, और माइनस में आपका ये एज इट इज ना, माइनस है माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी और अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, वन से वन को कैंसिल कर सकता हूँ, ये क्या है माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या है माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो गया माइनस का टू टाइम इक्वल टू माइनस टू टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है प्लस का टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी इंटू अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, सिर्फ पी के नीचे है ये ए स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज बच गई ना, वन से वन कैंसिल हो गया और दो टर्म ये बच गई, प्लस में आपके पास क्या होगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये भी रहेगा। अब अगर इन दोनों टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स में से माइनस का टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी कॉमन निकाल दूं, क्या निकाल दूं कॉमन, माइनस का टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, क्या बचेगा माइनस का टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, ये कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से, यहाँ क्या बच जाएगा पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, क्योंकि दो पावर थी ना, अंदर क्या बच गया पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, और इस टर्म में क्या होगा माइनस का टू कॉमन निकाला है ना, माइनस का टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस का
और अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर और इंटू अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई पूरे के नीचे नहीं है बी स्क्वेयर, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई, ये क्लोज और वो आपकी एज इट इज प्लस में पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस में क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया आपके पास यहाँ से। अब अगर मैं इसे देखूँ कहाँ गया, ये कोस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू डिवाइड बाई ए बी माइनस में अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर इंटू अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर, और ये भी तो यही है पी क्यू डिवाइड बाई ए बी माइनस अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर अंडर रूट वन माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर। तो इस टर्म की जगह जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसकी जगह कोस अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इस टर्म की जगह मैंने लिख दिया कोस अल्फा, कोस अल्फा और प्लस में वो है, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी साइन स्क्वेयर अल्फा, किसके इक्वल दिया हो पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर साइन स्क्वेयर अल्फा, तो ये किसके इक्वल है साइन स्क्वेयर अल्फा, किसके इक्वल आ गया पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर है, इसके अंदर भी क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर है, इसके अंदर भी क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर है, ठीक है, और क्या है के टाइम कोस अल्फा है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर है माइनस टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी इंटू कोस अल्फा, ठीक है, दोनों को अगर कंपेयर करूं यहां भी साइन स्क्वेयर अल्फा है यहां भी साइन स्क्वेयर अल्फा है, तो ये टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए इस राइट हैंड साइड के, ठीक है, और ये दोनों चीज तो सेम है दोनों में, इसमें कोस अल्फा का कोफिशियंट क्या है के है, इसके अंदर कोस अल्फा का कोफिशियंट क्या है माइनस टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, तो अगर इनके कोफिशियंट कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आएगा के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी माइनस का टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, ऑप्शन के अंदर है थर्ड ऑप्शन है आपके पास माइनस टू पी क्यू डिवाइड बाई ए बी, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, अगर आपके पास टाइम कम है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसे छोड़ने से अगर आपकी दो या तीन मिनट बच जाती हैं, ठीक है, तो उन दो या तीन मिनट में आप दो से तीन क्वेश्चंस कर सकते हो बजाय ये एक क्वेश्चन करने के, हो सकता है दो या तीन मिनट या पाँच मिनट खराब करने के बावजूद भी इसका आंसर ना निकले, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, अगर आपके पास ज़्यादा खाली टाइम है तो ही इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टेंजेंट 1 बाई टू कोस इनवर्स 2 बाई रूट 5, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है एक्सप्रेशन आपके पास टेंजेंट ऑफ 1 बाई टू कोस इनवर्स 2 बाई रूट 5, टेंजेंट ऑफ 1 बाई टू कोस इनवर्स 2 बाई रूट 5, ठीक है, ये आपके पास क्या है एक्सप्रेशन है, तो इसको सोल्व करना है आपको, क्या बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टेंजेंट 1 बाई टू कोस इनवर्स 2 बाई रूट 5, किस तरह से करेंगे, अगर यहाँ पर बाहर टेंजेंट इनवर्स है क्या, नहीं टेंजेंट है, यहाँ पर क्या है टेंजेंट, अगर अंदर टेंजेंट इनवर्स हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोस इनवर्स को अगर मैं टेंजेंट इनवर्स में चेंज भी कर दूंगा तो साथ में आपका 1 बाई टू रहेगा, ठीक है, तो मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, मैं कंप्लीट को थीटा मान लिया मैंने, ठीक है, इसे क्या मान लिया थीटा, 1 बाई टू कोस इनवर्स 2 बाई रूट 5 को थीटा मान लिया, ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए अब टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू चाहिए, देखते हैं किस तरह निकाल सकते हैं, क्या मान लिया मैंने 1 बाई टू कोस इनवर्स 2 बाई रूट 5, इसको क्या मान लिया मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, अगर ये थीटा है तो क्या होगा 2 को उस साइड देकर जाऊं कोस इनवर्स 2 बाई रूट 5 किसके इक्वल होगा 2 थीटा के इक्वल, ठीक है, यानी कि कोस ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल आ गया 2 बाई रूट 5 के इक्वल आ गया ना, दोनों साइड कोस ले लिया, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल 2 बाई रूट 5 आएगा इस साइड क्या आ गया कोस 2 थीटा, यानी कि कोस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 बाई रूट 5, हमें किसकी वैल्यू चाहिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू, इसे थीटा मानना है ना, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है टेंजेंट ऑफ दिस, यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू बतानी है, हमारे पास किसकी वैल्यू आई है
कोस टू थीटा की वैल्यू आई, ठीक है, कोस टू थीटा की वैल्यू से हमें टेंजेंट की थीटा की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। क्या कोस टू थीटा से मैं साइन थीटा और कोस थीटा दोनों निकाल सकता हूँ? आपने कोस टू थीटा का एक फार्मूला पढ़ा होगा, कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, कोस टू थीटा आपका टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, और कोस टू थीटा ये किसके इक्वल होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल, ठीक है। एक तो कोस टू थीटा, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, इन दोनों के ही इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से अगर देखूँ तो वन को इस साइड ले कर रहा हूँ, तो वन प्लस कोस टू थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई टू, और इसका अगर रूट कर दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, कोस थीटा बचेगा। कैसे किया, कोस टू थीटा वन को इस साइड ले आए, वन प्लस कोस टू थीटा हो गया, टू इसके साथ मल्टीप्लाई था डिवाइड कर दिया, यानी कि इधर क्या बच गया, कोस स्क्वेयर थीटा, दोनों साइड रूट कर दिया, कोस थीटा किसके इक्वल बच गया, अंडर रूट वन प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू। इसी टाइप से अगर इसको सोल्व करूँ तो टू साइन इनवर्स थीटा, टू साइन स्क्वेयर थीटा को इस साइड ले गया, कोस टू थीटा को उस साइड, क्या बच गया, टू साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल आ गया, वन माइनस कोस टू थीटा, ठीक है, टू से डिवाइड कर दूंगा और दोनों साइड रूट ले दूंगा, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू। ये कंप्लीट का रूट है टू बी इसके साथ ही, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ठीक है टेंजेंट थीटा की चाहिए, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा कर दूं, यानी कि दिस डिवाइड बाई दिस, यानी कि यहाँ क्या होगा, कोस थीटा हो गया, नीचे क्या आ गया, वन प्लस कोस टू थीटा है ना, कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू, और इस कंप्लीट का क्या है रूट, ठीक है। टू से टू कैंसिल कर सकता हूँ दोनों के अंदर, ऊपर क्या बच गया, अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा, नीचे क्या बच गया, रूट ऑफ वन प्लस कोस टू थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, कोस टू थीटा की वैल्यू पता है ना, टू बाई रूट फाइव, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, यानी कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, वन माइनस कोस टू थीटा की वैल्यू क्या है, टू बाई रूट फाइव इसका रूट है, नीचे क्या है, वन प्लस कोस टू थीटा, यानी कि वन प्लस टू बाई रूट फाइव, और इसका भी रूट है, पूरे कंप्लीट का लिख सकता हूँ, नीचे वाले की पावर वन बाई टू है, ऊपर वाले की भी पावर वन बाई टू है, कंप्लीट का रूट लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। क्या हो गया अब, वन माइनस टू बाई रूट फाइव, और यहाँ पर वन प्लस टू बाई रूट फाइव, एलसीएम लूँ तो रूट फाइव एलसीएम आएगा, रूट फाइव माइनस टू होगा ऊपर, नीचे रूट फाइव प्लस टू होगा, ठीक है, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रूट फाइव माइनस टू, और नीचे आपके पास होगा रूट फाइव प्लस टू, और कंप्लीट का आपके पास क्या है रूट। अगर इसको रैशनलाइज कर दूं रूट के अंदर ही, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया रूट फाइव माइनस टू से, नीचे रूट फाइव माइनस टू से ही डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव प्लस टू इंटू रूट फाइव माइनस टू, ठीक है। इसके इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा पाँच, और बी स्क्वायर क्या होगा चार, पाँच माइनस चार क्या होगा एक, तो नीचे तो आपके पास क्या आ गया एक, ऊपर क्या आ गया रूट फाइव माइनस टू है इंटू रूट फाइव माइनस टू है, ठीक है, यानी कि रूट फाइव माइनस टू का स्क्वायर हो गया, ऊपर आपके पास क्या आ गया अंडर रूट फाइव माइनस टू इसका स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे वन आ गया और कंप्लीट का आपके पास क्या है रूट, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, वन का रूट करूंगा तो वन ही आएगा, यानी कि आपके पास क्या आ गया अंडर रूट फाइव माइनस टू, ये आपका क्या है आंसर। टेंजेंट ऑफ वन बाई टू कोस इनवर्स टू बाई रूट फाइव की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अंडर रूट फाइव माइनस टू आएगी, ठीक है। कैसे किया, उसको थीटा मान लिया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए अब, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, उसे थीटा मान लिया तो वहाँ से कोस के अंदर टू थीटा या कोस थीटा ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि कोस इनवर्स है, इसको अगर थीटा मानना टू से उधर मल्टीप्लाई किया, कोस इनवर्स टू बाई रूट फाइव किसके इक्वल आ गया टू थीटा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से दोनों साइड अगर कोस लूंगा तो कोस टू थीटा की वैल्यू आएगी टू बाई रूट फाइव, हमें किसकी वैल्यू चाहिए टेंजेंट थीटा की, ठीक है। कोस टू थीटा से मैंने साइन की वैल्यू निकाली, कोस टू थीटा से मैंने कोस की वैल्यू निकाली, दोनों को आप डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ठीक है। या सीधे आप कोस टू थीटा या साइन टू थीटा से, कोस टू थीटा से कोस थीटा की वैल्यू या साइन टू कोस टू थीटा से साइन थीटा की वैल्यू ना निकालने के बजाय सीधा एक ही फार्मूला याद रख सकते हैं। अगर आपको क्या दिया वो कोस टू थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग दिया, वो मान लिया कि एक्स दिया हुआ है, अगर कोस टू थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है,
तो आपके पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, ठीक है। या फिर ये लिख सकता हूँ कोस टू थीटा की वैल्यू दी हुई है तो क्या लिख देंगे, अगर टेंजेंट थीटा आपको चाहिए तो किसके इक्वल होगा, वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कोस टू थीटा। ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, कि अगर आपको कोस टू थीटा की वैल्यू पता है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या फार्मूला होगा आपके पास, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कोस टू थीटा। यही हुआ है ना, वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कोस टू थीटा कंप्लीट का रूट, ठीक है। ये कैसे आया है, एक बार साइन थीटा की वैल्यू निकाली कोस टू थीटा से, एक बार कोस थीटा की वैल्यू निकाली कोस टू थीटा से, और दोनों को डिवाइड कर दिया, आपके पास ये आ गया, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कोस टू थीटा, ठीक है। ये था आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स वन बाई फाइव प्लस फाइव बाई फोर, आपको बताना है थर्ड के अंदर वैल्यू ऑफ क्या है, टेंजेंट है या टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स वन बाई फाइव, यस वन बाई फाइव प्लस फाइव बाई फोर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट ऑफ टू टेंजेंट इनवर्स वन बाई फाइव प्लस फाइव बाई फोर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। आपके पास क्या है, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है ना, आपको पता है टू टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखवाया था कल, कि टू टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होता है आपका टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको उसके अंदर पुट कर दिया, क्या आ गया मेरे पास, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 बाई फाइव, तो x की जगह अगर मैं 1 बाई फाइव रखूँ तो क्या आएगा, 2 बाई फाइव आ गया ऊपर, तो नीचे क्या आ गया, 1 माइनस 1 बाई फाइव का अगर स्क्वेयर करूँ तो 1 बाई ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, टेंजेंट ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस थीटा है, टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, वन प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ दिस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वन प्लस इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट लूंगा तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल और ये बच जाएगा, यहाँ से अगर 2 बाई फाइव इसको करूँ तो 25 माइनस वन 24 बाई 25, ठीक है। 5 से 25 कैंसिल करूँगा तो 5 बचेगा, और 2 से 24 को कैंसिल करूँगा तो क्या बचेगा, 12, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 5 बाई 12, ठीक है। इसको सोल्व करूँ, 2 बाई फाइव डिवाइड बाई 25 माइनस वन 24 बाई 25 आएगा ना, 5 से ये 5 पे चला जाएगा, 2 से ये 12 पे जाएगा, 12 बाई 5 है ऊपर जाकर क्या बनेगा, ये 5 बाई 12, ठीक है। वही किया है, इसको सॉल्व करके मैंने क्या लिख दिया, 5 बाई 12, ये क्या बन गया, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 5 बाई 12, और इसका टेंजेंट लेना है आपको, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 5 बाई 12, ठीक है। नीचे आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, हाँ 1 माइनस टेंजेंट ऑफ दिस, यानी कि टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स दिस, इसका टेंजेंट इनवर्स लूँ तो क्या आएगा, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल और क्या बचेगा, फिर से 5 बाई 12, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, 12 प्लस 5 17, 17 डिवाइड बाई 12, और इस पूरे के डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, 12 माइनस 5 7, 7 डिवाइड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल किसके इक्वल आ गया, 17 डिवाइड बाई 7, ये आपका क्या है आंसर। अगर आपको वैल्यू बतानी है टेंजेंट ऑफ टू टेंजेंट इनवर्स वन बाई फाइव प्लस फाइव बाई फोर, ठीक है, क्या करना है,
सबसे पहले टू टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला ओपन करो, इसे टेंजेंट इनवर्स के अंदर चेंज करो। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा, ये क्या बन गया, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट ऑफ x प्लस y किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y, यही होता है ना, टेंजेंट x प्लस y। x की जगह अगर पाई बाई 4 पुट कर दूं, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस y, यहां पर पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 क्या होगा 1, यानी कि क्या हो गया 1 प्लस टेंजेंट y, टेंजेंट पाई बाई 4। x की जगह टेंजेंट पाई बाई 4 करूंगा तो 1 आएगा, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट टेंजेंट y और 1 प्लस टेंजेंट y, यही क्या है ना। यहां पर भी हमें क्या था, टेंजेंट ऑफ दिस प्लस पाई बाई 4 था, क्या किया 1 प्लस टेंजेंट ऑफ दिस, इसका टेंजेंट लूंगा तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, ये आपका 5/12 एज इट इज, ठीक है। नीचे 1 माइनस टेंजेंट ऑफ दिस, ये आपका क्या आ गया 5/12 एज इट इज, इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 17/7, यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स, अंदर क्या है 3 माइनस टू टेंजेंट थीटा, 3 माइनस टू टेंजेंट थीटा, डिवाइड में क्या है 2 प्लस 3 टेंजेंट थीटा, 2 प्लस 3 टेंजेंट थीटा, ये है। आपको क्या बताना है, फाइंड डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू बतानी है, जहां पर आपको y क्या दिया हुआ है, कोट इनवर्स 3 माइनस टू टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस 3 टेंजेंट थीटा। अगर आप सीधा इसका डेरिवेटिव करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। y किसके इक्वल दिया हुआ है, कोट इनवर्स के ऊपर, कोट इनवर्स दिस, अंदर बाहर कोट इनवर्स है, अंदर टेंजेंट है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, सोल्व नहीं होगा। यानी कि इसको या तो कोट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर लूँ, या फिर टेंजेंट थीटा को कोट थीटा में चेंज कर लूँ, ठीक है। कोट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स के इक्वल, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स कोट इनवर्स एक्स ये है, 1 बाई एक्स करूंगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या होगा 2 प्लस 3 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 टेंजेंट थीटा, ठीक है। यानी कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस आ गया। अब भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, 2 है प्लस 3 टाइम्स टेंजेंट थीटा है, यहाँ पर 3 है प्लस 2 टाइम टेंजेंट थीटा है, ऊपर नीचे से दोनों से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, यहाँ से 3 कॉमन निकाला और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा तो वहाँ से तो कैंसिल, यहाँ से 2 बाई 3 होगा, यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 बाई 3 होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 प्लस टेंजेंट थीटा, यहाँ क्या है 1 प्लस 2 बाई 3 इंटू टेंजेंट थीटा। अगर आपने टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला देखा हो तो वो किस टाइप से होता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड बाई 1 माइनस, अच्छा नीचे यहाँ माइनस आएगा भाई, ऊपर क्या था 3 माइनस 2 टेंजेंट थीटा, तो नीचे 3 माइनस 2 टेंजेंट थीटा आना था वो तो माइनस आएगा, ऊपर क्या चला गया 2 प्लस 3 टेंजेंट थीटा, 2 प्लस 3 टेंजेंट थीटा था, 3 कॉमन निकाल लिया ऊपर से भी नीचे से भी, 3 कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बच गया 2 बाई 3 प्लस टेंजेंट थीटा, नीचे क्या बच गया 1 माइनस 2 बाई 3 टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, ठीक है। y की जगह अगर थीटा रख दूं तो क्या होगा, टेंजेंट x प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये सब तो मैच हो गया, टेंजेंट x की जगह मुझे क्या मिल रहा है 2 बाई 3, यहाँ पर भी टेंजेंट x की जगह क्या मिल रहा है 2 बाई 3, बाकी सब आपका क्या है सेम है। तो मान लेता हूँ टेंजेंट x आपका किसके कुल है 2 बाई 3, यहाँ से कि क्या मान लिया कि 2 बाई 3 आपका किसके कुल है, टेंजेंट x के कुल है, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट x की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर हो वो सभी आपके किसी न किसी एंगल के लिए टेंजेंट थीटा के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 बाई 3 को टेंजेंट x मान सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 बाई 3 को मैंने क्या मान लिया, टेंजेंट x मान लिया।
तो अब ये क्या बन गया, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट थीटा बाई वन माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट थीटा, किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा, बाहर क्या है टेंजेंट इनवर्स, क्या बन जाएगा यानी कि टेंजेंट इनवर्स, अंदर क्या है टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा बन गया ना। अगर 2 बाई 3 को मैं टेंजेंट एक्स पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये टर्म टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा के इक्वल, और बाहर क्या है आपके पास टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, वाई किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस थीटा के इक्वल। अब एक्स को तो हमें नहीं पता कि क्या है, हमने क्या पुट किया था, 2 बाई 3 इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स पुट किया था, दोनों साइड अगर मैं टेंजेंट इनवर्स ले दूं इस इक्वेशन के अंदर तो क्या बचेगा मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स लूंगा तो क्या आएगा एक्स, तो यहां से क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल। एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 और प्लस में आपका थीटा था, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, फाइंड डी वाई बाई डी थीटा, वाई किसके इक्वल आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 प्लस आपका थीटा। अगर अब मैं वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगा तो क्या आएगा वन, तो डी वाई बाई डी थीटा आपके पास क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस थे आपके पास, मैंने लिखे नहीं, फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास इसके अंदर टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 प्लस 1, टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 प्लस 1। सेकेंड ऑप्शन था आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 प्लस थीटा। थर्ड ऑप्शन था आपके पास वन और फोर्थ था आपके पास माइनस वन। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए थे, क्योंकि वाई आपका क्या आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 प्लस थीटा, अगर आपने सोल्व किया और यहाँ तक आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2 बाई 3 प्लस थीटा आपको ऑप्शन में मिल गया, तो आप क्या सोचेंगे यही आंसर होना चाहिए, आपका भी यही आ रहा है, आप फटाक से इसे टिक कर दोगे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी थीटा, आपसे वाई की वैल्यू नहीं पूछी, ये किसकी वैल्यू आई है वाई की वैल्यू, आपको डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू बतानी है, जो कि आपके पास क्या आएगी वन, यानी कि आंसर सही कौन सा होगा थर्ड। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा हुआ है और उसके अंदर ऑप्शंस किस टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कितने हो गए, चार। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस 4095 डिग्री इंच, फिफ्थ है आपके पास, क्या बताना है आपको वैल्यू ऑफ साइन, साइन इनवर्स है हाँ, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस ऑफ 4095 डिग्री दिस, इसकी वैल्यू बतानी है कि साइन इनवर्स कोस ऑफ थीटा क्या है आपके पास 4095 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको पता है कि जो आपका कोस थीटा होता है और साइन थीटा, ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्या होते हैं 2 पाई के ऊपर रिपीट करते हैं अपनी वैल्यूज को, 2 पाई के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करते हैं, यानी कि ये कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं जिनका पीरियड कितना है 2 पाई, 2 पाई किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि हर एक 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ये कोस थीटा जो है अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। ठीक है, तो यदि मुझे कोस ऑफ थीटा की इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँ, इसे 360 से डिवाइड कर दूँ और जितना भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसका कोस निकाल लूँ या फिर इस कंप्लीट का कोस निकाल लूँ, दोनों का कोस आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, इसका तो मुझे नहीं पता कि 4095 डिग्री का कोस क्या होगा, इतनी बड़ी वैल्यू को हमें याद तो रखते नहीं है। ठीक है, तो निकालते हैं कि इसे ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं 4095 को किससे डिवाइड करूँ, 360 से डिवाइड करूँ। ठीक है, पहले वन पे जाएगी 360, क्या आएगा 9 और कितने बच गए, 10 में 6 गए 4, 49। ठीक है, अब वो उतार लिया। ठीक है, फिर से वन पे ही जाएगी क्योंकि 360 है, यानी कि 360 क्या बच गया आपके पास 5 और 9 माइनस 6 3 और ये आपके पास क्या बच गया 1, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 135। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 135 डिग्री, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं 4095 डिग्री को, ठीक है। और इसका कोस चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन कोस ऑफ ये क्या है 2 पाई, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस थीटा करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपकी किसके इक्वल होगी, कोस ऑफ 135 डिग्री, ठीक है। और ये क्या होता है 135 डिग्री, कोस ऑफ 135 किसके इक्वल होता है 3 पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। और 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई करूँगा तो 3 पाई बाई 4, यानी कि मुझे किसका कोस 135 डिग्री की वैल्यू चाहिए, या फिर क्या लिखूँ कोस ऑफ 3 पाई बाई 4 की वैल्यू चाहिए, या फिर क्या लिख सकता हूँ कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और कोस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोस थीटा के इक्वल, थीटा क्या है यहाँ पर पाई बाई 4, यानी कि माइनस ऑफ कोस पाई बाई 4, माइनस ऑफ कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यानी कि माइनस लगा दूँ आगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, माइनस का 1/√2, ठीक है। तो ये जो कोस ऑफ 4095 डिग्री था इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 1/√2, इसका आपको क्या लेना है, इनवर्स लेना है, ठीक है। आपके पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√2, ठीक है। जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराई तो उसके अंदर बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है। यानी कि इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 1/√2 साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, पाई बाई 4 के इक्वल, पाई बाई 4 के ऊपर साइन थीटा क्या होता है 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4। आगे आपका माइनस का साइन है, इसका मतलब ये चीज़ आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शंस थे, एक था आपके पास, फर्स्ट था माइनस पाई बाई 3, सेकंड था पाई बाई 6, थर्ड था आपके पास 3 पाई बाई 4, और फोर्थ था आपके पास माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ये थे, तो हमारा आंसर क्या है, माइनस पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 3 पाई बाई 4 भी दिया हुआ है इसके अंदर, जो कि हमने निकाला था कि कोस ऑफ 3 पाई बाई 4 के इक्वल होगा ये जो है 4095 डिग्री, ठीक है। किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ 3 पाई बाई 4, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि 3 पाई बाई 4 आ गया इसके अंदर मैच हो रहा है, सीधा उठा के 3 पाई बाई 4 रख देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आंसर है इसका माइनस पाई बाई 4। नेक्स्ट आपके पास साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, इसके इक्वल होगी, नेक्स्ट क्या है, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको किसके इक्वल होगी। कल ही हमने क्या था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, टेंजेंट इनवर्स हो, इनको दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर टेंजेंट इनवर्स है, बाहर साइन है, अंदर अगर साइन इनवर्स हो जाए तो क्या होगा आपके पास, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास। ऑप्शन हैं इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास x/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर, x/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास -1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर, -1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास -x/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। क्या बताना है, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, अगर आपको टेंजेंट इनवर्स एक्स, कल बताया था कि अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट को देखो, ये क्या है एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाई वन लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, एक्स को एक्स बाई वन लिख सकता हूँ। अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के अंदर चेंज करना है तो ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स
जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है, ऊपर वाला क्या है x, x को एज इट इज रखो, नीचे क्या है इन दोनों का स्क्वेयर का सम और उसका रूट, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के अंदर, ठीक है। अब इसकी जगह पर अगर ये पुट करूँ साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है मान लेता हूँ क्या था हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स x है, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, मेरे पास क्या आ गया टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया x के इक्वल, ठीक है। तो अगर आपको टेंजेंट थीटा x दिया हुआ है, इसे क्या लिख सकता हूँ x बाई वन लिख सकता हूँ ना, टेंजेंट x को टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ x बाई वन लिख लिया, क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या थी x, x को x बाई वन लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ट्रेंगल से देखूँ, राइट एंगल ट्रेंगल से, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये c है और ये आपका क्या है 90 डिग्री एंगल है, ये अगर मान लूँ कि मैं थीटा है तो मुझे क्या दिया हुआ है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है x बाई वन, लेकिन टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि ये क्या होगा परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड, ये क्या दिया हुआ है आपको x है और बेस आपको क्या दिया हुआ है 1, तो ये आपके पास 1 है। अगर हाइपोटेन्यूस की बात करूँ इस ट्रायंगल के अंदर तो क्या होने वाला है, क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर और उसका रूट, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट, 1 का भी स्क्वेयर है लेकिन 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूस आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है x बाई वन एक्स, ठीक है। और साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू चाहता हूँ तो वो क्या होती है इस ट्रायंगल से अगर देखूँ तो क्या होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास x और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर दोनों साइड साइन इनवर्स ले दूं तो मेरे पास क्या आएगा थीटा किसके इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। थीटा किसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल, लेकिन हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को किसके इक्वल माना था थीटा के इक्वल, यहाँ थीटा किसके इक्वल है टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल, यहाँ थीटा किसके इक्वल है साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल, वही हमने यहाँ लिखा है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये पूरा करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको टेंजेंट इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होने वाला है टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसको 1 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। यानी कि एक तरह से टेंजेंट इनवर्स ए बाई बी भी अगर आपको दिया हो, क्या दिया हुआ है कि टेंजेंट इनवर्स ए बाई बी दिया हुआ है, उसको किस में चेंज करना है आपको साइन इनवर्स के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो किस तरह चेंज करेंगे साइन इनवर्स ए बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आपका क्या आएगा साइन इनवर्स में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रखना है और नीचे उसके डिवाइड में क्या करना है ऊपर वाले का स्क्वेयर प्लस नीचे वाले का स्क्वेयर और उन दोनों का रूट, ठीक है। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स के अंदर। अगर आपसे बाहर साइन की जगह कोस दिया होता फिर आपको क्या करना पड़ता इसको कोस इनवर्स के अंदर चेंज करना पड़ता। कोस इनवर्स में किस तरह चेंज होगा साइन में चेंज किया तो क्या है साइन थीटा किसके इक्वल आया था एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। अगर कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा किसके इक्वल आएगा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस होता है ना, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूस क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोस थीटा लेता तो वो किसके इक्वल आता 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। फिर कोस इनवर्स लेता दोनों साइड फिर थीटा की वैल्यू क्या आती कोस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आती, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई है कोस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल है थीटा के इक्वल, दोनों में थीटा है दोनों ही थीटा के इक्वल है, इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा कोस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स को अगर कोस के अंदर चेंज करना है तो क्या करना पड़ा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ गया आपके अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर। सीधा सीधा अगर आपको देखना है ये पूरा ताम झाम नहीं करना है तो क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस इनवर्स के अंदर चेंज करना है तो कोस इनवर्स का लिखना ही पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट क्या आएगा इसके अंदर वो क्या आने वाला है टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वन लिख लिया, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, ठीक है। जब साइन इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो ये वाला ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है इन दोनों के स्क्वेयर का
सम करके उसका रूट, ठीक है। जब कोस इनवर्स के अंदर चेंज करूंगा तो नीचे वाला लूंगा, क्योंकि कोस थीटा क्या आता है, नीचे आता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा होता है ना, टेंजेंट थीटा। तो ये क्या होगा आपके पास, नीचे वाला, उसको अगर कोस इनवर्स के अंदर चेंज कर रहा हूँ तो पहले क्या लिखना है, नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, वन। फिर क्या करना है, वही अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसे कोस इनवर्स के अंदर चेंज करना होता तो क्या होता फिर, टेंजेंट इनवर्स को कोस इनवर्स वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछी होती तो क्या करना होता मुझे, पहले कोस इनवर्स के अंदर चेंज करता, फिर कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाता, ये जो भी इसका आर्ग्यूमेंट होता वही आपका क्या होता, आंसर। आर्ग्यूमेंट क्या है, वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो उत्तर क्या होने वाला है आपके पास, फर्स्ट वाला, वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपके पास कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और रहता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया हुआ है, मैंने एक सैंपल पेपर से उठाया था, केवीएस का एक सैंपल पेपर था, उसके अंदर था ये। क्वेश्चन है आपके पास, द डेरिवेटिव ऑफ, क्या बताना है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इसके रिस्पेक्ट में, ये टर्म है। इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और आपको डेरिवेटिव बताना है क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है 2 बाई 3 आएगा, सेकंड है आपके पास 3 बाई 2 आएगा, थर्ड है आपके पास 1 बाई 2 आएगा, और फोर्थ है आपके पास 1 आएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में, ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स किसके कुल होता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के कुल, इसके कुल होता है, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है, 3 साइन इनवर्स एक्स किसके कुल होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस करना है, लेकिन ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, यानी कि मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस करूं या फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस करूं, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। यानी कि मैं इसका करता हूं, इसमें आपके जो एंगल्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, अंदर रूट भी है, ठीक है, अलग अलग भी हैं, इन दोनों के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ से करता हूँ, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस करना है मुझे, 2 साइन इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव करना है, डी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू डी 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। ऊपर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ही डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, वन ही होगा ना, 3 से 3 कैंसिल, 2 साइन इनवर्स एक्स ही बचेगा, ठीक है। इसको मैं क्या ले लिया, अलग से ले लिया, ये क्या हो गया, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डी 2/3 टाइम्स 3 साइन इनवर्स एक्स, ये लिख सकता हूँ ना, इस टर्म को 2/3 को अलग लिख लिया और 3 साइन इनवर्स एक्स को अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई के अंदर है ये, ठीक है। नीचे क्या है आपके पास, डी ऑफ साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ पर भी 3 साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर भी 3 साइन इनवर्स एक्स है, 2/3 आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एक तरह से अगर इसे थीटा मानूँ, इसे भी थीटा मानूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास कि डी ऑफ 2/3 थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव, थीटा है ये, 3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। क्या बचेगा मेरे पास, डी ऑफ 2/3 थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, ठीक है। यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूँ मैं, 2/3 थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, क्या आने वाला है, 2/3 ही आएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर थीटा ही करूंगा तो डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3,
यहां पर क्या है, 3 sin 2 by 3 times 3 sin inverse x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, 3 sin inverse x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या होगा, 2 by 3 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, आपके पास 2 by 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, d of 3 sin inverse x divide by d of 3 sin inverse x, यानी कि ये क्या होगा 1, इसके इक्वल आ गया 2 by 3 के इक्वल। आपका कोई ऑप्शन है 2 by 3, फर्स्ट ही ऑप्शन है आपके पास 2 by 3, यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर ये तो डेरिवेटिव का सवाल था, इसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कह सकते हैं, डेरिवेटिव से ज़्यादा काम तो इन्वर्स का ही हुआ है ना इसके अंदर, साइन इन्वर्स, अगर इसका फार्मूला आपको नहीं पता है कि 2 साइन इन्वर्स एक्स होगा और इसका फार्मूला 3 साइन इन्वर्स एक्स होगा, ठीक है, तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते कि इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर डेरिवेट करूँ तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, इसको आप सिंपली सोल्व नहीं कर सकते। अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये दो फार्मूले पता हैं तो ही आप इसे सोल्व कर सकते हैं और ये आपका आंसर आएगा 2 बाई 3। तो ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपके KVS, NVS और DSSS PGT मैथमेटिक्स के अंदर आए हुए थे, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन वैसे किसी में नहीं था, ये आपका सैम्पल पेपर था एक KVS का, PGT मैथमेटिक्स का, उससे लिया गया है। बाकी सभी क्वेश्चंस NVS, KVS और DSSS के जो लास्ट ईयर कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, DSSS का तो पिछले साल हुआ था, NVS का 2019 में हुआ था और KVS वाले ये 2017 वाले पेपर से थे। तो ये सब क्वेश्चन थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, आई होप आपको सब समझ आ गए होंगे किस तरह से किन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।